नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि डी को लेकर आ गई है बड़ी खुशखबरी। इस दिन 50% होगा महंगाई भत्ता, केंद्रीय कर्मचारियों की हो गई है बल्ले बल्ले। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि जो डीए को लेकर जो बड़ी खुशखबरी आई है, किस दिन केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा, सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए, ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते पर एक नई अपडेट सामने आ गई है। केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारी के महंगाई भत्ते में साल में 2 बार इजाफा किया जाता है। अब जुलाई महीने में सरकार डीए में इजाफा करेगी, लेकिन इससे पहले खबर आ गई है कि कर्मचारी को मिलने वाला डीए अब 42% से बढ़कर 50% होने वाला है। सरकार के इस फैसले के बाद सैलरी में सीधे 9,000 रुपये का इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद महंगाई भत्ता 42% हो गया था। यह इजाफा जनवरी 2023 से लागू हुआ, अब जुलाई 2023 से पहले महंगाई भत्ते का ऐलान होना है। उम्मीद है कि अगला महंगाई भत्ता भी 4% ही होगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर सीधा 46% हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारी के भत्ते में अच्छा इजाफा होना तय है। कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता आने वाले वक्त में सैलरी इंक्रीमेंट लेकर आ सकता है। महंगाई भत्ते का नियम है कि सरकार ने साल 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू किया था, उस वक्त महंगाई भत्ते को लेकर शून्य कर दिया गया था। नियमों के मुताबिक महंगाई भत्ता जैसे ही 50% तक पहुंचेगा उसे शून्य कर दिया जाएगा, और 50% के अनुसार जो पैसा भत्ते के रूप में कर्मचारियों को मिल रहा है उसे बेसिक सैलरी यानी न्यूनतम सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसे 50% डीए का 9,000 रुपये मिलेगा, लेकिन 50% डीए होने पर उसे बेसिक सैलरी में जोड़कर फिर से महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।